नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात सपाट, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बात सपाट एक ऐसा मंच जहां खबरें होती है आपके सरोकार से जुड़ी, ना कोई एजेंडा ना ही कोई प्रोपेगेंडा, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, ना इनकी बात ना उनकी बात, सिर्फ आपकी बात। बात सपाट, बात सपाट की शुरुआत करेंगे। बात आज होगी घुसपैठियों पर मचे सियासी घमासान की। बताएंगे कैसे साइबर क्राइम का जाल बिछा हुआ है झारखंड में। इसके अलावा और भी दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन इससे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। नीति आयोग के साथ बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने दी जानकारी। डीवीसीसीएल समेत 22 मुद्दे पर हुई चर्चा, जल्द होगी केंद्र और राज्य सरकार के बीच मीटिंग। अपने अपने जिलों के दौरे पर बिहार के प्रभारी मंत्री, बाढ़ से हुए नुकसान और योजनाओं के लिए रिपोर्ट। पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी। 8 अक्टूबर को होगा मतदान, गुरुवार से नामांकन भर सकेंगे प्रत्याशी। साहिबगंज में महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की जांच तेज। एसआई सतीश सोनी और एक हवलदार से पूछताछ। पटना में दिन दहाड़े डकैतों ने लूटी लाखों की ज्वेलरी। 6 की तादाद में आए डकैतों ने दिया घटना को अंजाम। राजधानी के मलाही पकड़ी इलाके में वारदात। और रामगढ़ में 2 भीषण सड़क हादसे में बिहार के 8 लोगों की मौत। कार में जिंदा जले 5 लोग, तो कार पलटने से 3 की हुई मौत। तो बात सपाट में आज सबसे पहले बात घुसपैठियों पर मचे सियासी घमासान की। सवाल कई है, सवाल है कि क्या साजिश के तहत बिहार के सीमांचल में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है? क्या जमीन की अवैध खरीद बिक्री के जरिए घुसपैठियों को बसाया जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के भू एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने दावा किया है कि सीमांचल में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। सवाल है कि बिहार में घुसपैठियों पर अचानक से सियासत इतनी सरगर्म क्यों होने लगी? आए दिन सियासतदानों के बयान से ये मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में कैसे है? और अब तो बिहार सरकार में भू एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने दावा कर दिया कि सीमांचल में स्थानीय लोगों की ओर से घुसपैठियों को बसाया जा रहा है और जमीन की अवैध खरीद बिक्री हो रही है। हालांकि बीजेपी नेता और मंत्री रामसूरत राय के बयान पर जेडीयू ने तुरंत पलटवार भी कर दिया। लेकिन सवाल है कि घुसपैठियों की सियासत के पीछे की कहानी है क्या? और वहां पर बड़े बड़े हॉट तो उनका बिहार कतई नहीं। बिहार की सियासत में घुसपैठियों के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा है। हर रोज घुसपैठियों के मुद्दे पर नए नए बयान सामने आ रहे हैं और वार पलटवार का दौर जारी है। बुधवार को बिहार सरकार में राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सीमांचल के इलाकों में स्थानीय लोगों के द्वारा घुसपैठियों को बसाया जा रहा है और जमीन की अवैध खरीद बिक्री की जा रही है, जिसकी जांच विभाग करा रहा है। बाहरी घुसपैठियों को दिया जा रहा है, घुसपैठी को बहुत सारे से मतलब नहीं है, वो जमीन का बहुत मात्रा नहीं समझते हैं, वो खरीद लेते हैं उचित दाम पर और वहाँ पर बड़े बड़े हॉट मार्केट बाजार और संस्था बना करके उसके तहत वो रैकेट चलाने का काम करते हैं। इसको जानकारी मुझे मिली है, मेरी पार्टी और मेरा सरकार दोनों इस पर काम कर रहे हैं।
निराधार तथ्यहीन बातें करके हमको नहीं लगता है कि कोई संजीदा और संवेदनशील व्यक्ति केंद्र और राज्य की सरकार और दोनों एनडीए की सरकार और इस तरह की बातें, ये बड़ा बेतुका। आप नहीं, एक भी कहीं कुछ है ही नहीं है। अब अगर किसी के मन में दिल में कोई किसी तरह की घुसपैठ हो तो तकलीफ हुई है कि वो सीमांचल को क्यों टारगेट कर रहे हैं, सीमांचल का नाम आ रहा है। आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ की गवर्नमेंट हाईकोर्ट को जाकर क्लैरिटी के साथ बताती कि इस तरह का कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाईकोर्ट ने कहा कि सीमांचल का बॉर्डर पोरस है, तो फिर सीवान कहाँ पर आ गया? बांग्लादेश का बॉर्डर सीवान को कहाँ लगता है बताइए, कहाँ लगता है वो? और ये जो बोलना कि किसी हर किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आसाम में जब आखिरी दिन था ऑब्जेक्शन दाखिल करने का, 3 लाख मुसलमानों के ऑब्जेक्शन दाखिल किए गए, जिसमें तो छोटे बच्चे भी थे 10 साल 8 साल के। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सरकार को संजीदगी के साथ इसको लेना चाहिए और हाईकोर्ट को जाकर बताना चाहिए कि ये इस तरह का मसला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि संघ परिवार बार बार सीमांचल के बारे में इस तरह की बात करता रहता है, जो बिल्कुल झूठ है। देखिए, ओवैसी की राजनीति हमेशा विभाजनकारी ही रही है और बिहार में जो भी हैं बिहारी वो सबों का बिहार है, लेकिन खुद जब कोर्ट मान रहा है कि बाहर के लोग आके बसे हुए हैं तो उनका बिहार कतई नहीं है। नहीं, कोई मुहिम नहीं है, तो कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट अपना कार्य कर रहा है। जाहिर है बिहार में घुसपैठियों के बहाने अपने अपने सियासी हित साधने की कोशिश की जा रही है और सियासत के निशाने पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीमांचल है। सवाल है कि क्या घुसपैठिया सिर्फ बहाना है, अपनी अपनी सियासत चमकाना है? पटना से मरगूब आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सवाल है कि घुसपैठिया के नाम पर अगर साजिश हो रही है, अगर जमीन की अवैध खरीद बिक्री हो रही है, घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, तो फिर सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? मंत्री सिर्फ बयान क्यों दे रहे हैं? जांच कर रिपोर्ट क्यों नहीं सामने लाते हैं? कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ बयान देकर क्या सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है? और सवाल ये कि क्या घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार में एक मत है? जेडीयू और बीजेपी का स्टैंड एक है और सियासत सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए इस मुद्दे को सिर्फ उछाला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात साइबर क्राइम की। आपके नंबर पर कॉल आता है, कई बार कॉल आता भी होगा और आपसे पूछा जाता होगा कि आपका ओटीपी आपके पास गया है, ओटीपी बताइए, या आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर बताइए, और हो सकता है आप जाल में फंस भी जाएं। साइबर क्राइम का गिरोह बहुत बड़ा हो गया है और साइबर गिरोह झारखंड के कुछ जिलों में बहुत एक्टिव है। पिछले दिनों तो ओडिशा की पुलिस ने झारखंड आकर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार भी किया था और उसे ओडिशा ले गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी साइबर अपराध पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा?
या फिर साइबर ठग कैसे लोगों को चूना लगाने में कामयाब हो जाते हैं, ये खास रिपोर्ट देखिए। खातों का ट्रांसफ़र पहले किसी UPI वॉलेट या फिर ई वॉलेट से करके एक किसी बैंक अकाउंट में करके, और जो मैक्सिमम जो खाता जिसमें अभी ट्रांसफ़र इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें मिल रहा है वो स्मॉल पेमेंट बैंक्स का है या फिर वैसे बैंक्स का है जिसमें ऑनलाइन खाते खुलवाने की सुविधा दी गई है, जिसमें 60 डेज का ग्रेस पीरियड दिया गया है या आप कह सकते हैं टाइम स्पैन दिया गया है जिसमें वो KYC अपना अपडेट करा सकते हैं। तो जनरली वो ऐसे बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं, 60 डेज तक उसे यूज़ करते हैं, KYC जब कराने की जब मैंडेटरी हो जाता है तो वो उस खाते को डंप कर देते हैं। साइबर शातिरों का जाल यहीं तक नहीं फैला है, ये ठग गरीबों के बैंक खातों का भी बखूबी इस्तेमाल करते हैं। गरीबों को कुछ रुपए का लालच देकर ये शातिर उनके बैंक खातों में भी ठगी के रुपयों का ट्रांसफर करा लेते हैं, और इनके शिकार होते हैं भोले भाले लोग जो अपना रुपया गवा कर थानों के चक्कर लगाते रहते हैं, और बदले में पुलिस की तरफ से उन्हें मिलता है महज इंतजार और बस इंतजार। गरीब लोग जो कि वैसे लोग जिनका जनधन अकाउंट खुलता है उनको कुछ लोभ लालच दे देते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, 10% आप रख लेना, बाकी जो है हमें दे देना। इस आधार इस ऐसे छोटे छोटे अकाउंट ऐसे ऐसे गरीब लोग या जैसे जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं उन लोगों के अकाउंट को प्रयोग करके भी ये लोग करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग जो हैं भी मुनाफाखोरी में लगे रहते हैं, और कुछ कांड ऐसे भी आए हैं जिसमें कि हम लोगों ने ऐसे लोगों की भी गिरफ्तारी। सवाल है कि साइबर क्राइम के शिकार लोग कैसे होते हैं, आप कैसे शिकार बनते हैं, किस तरह का ट्रिक्स अपनाया जाता है, ये आपको हम समझाते हैं। दरअसल छोटे छोटे गैंग में साइबर क्राइम गिरोह काम करता है, और ये गैंग UPI पेमेंट के जरिए फ्रॉड करते हैं, लोगों को KYC अपडेट या सिम ब्लॉक के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। जामताड़ा के जंगलों में साइबर ठगी का कॉल सेंटर चलता है, ये आप हैरान हो जाएंगे जानकर। बातों में फंसा कर खाते डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर लेते हैं, पेटीएम और KYC के नाम पर कॉल करके लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं, क्विक सपोर्ट एनी डेस्क जैसे ऐप के जरिए भी आपका मोबाइल हैक कर लेते हैं, और गिरोह के सदस्य एटीएम क्लोनिंग में भी माहिर हैं, एटीएम में स्कीमर और हिडन कैमरा लगा देते हैं, और इसके बाद डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल करके उसका क्लोन तैयार कर लेते हैं और आपके खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। अब आपके खाते से उड़ाए पैसे ट्रांसफर कैसे करते हैं ये समझिए। लोगों के खाते से रुपए ई वॉलेट में ट्रांसफर कर देते हैं, बिना KYC के ऑनलाइन खाते खुलवाते हैं और उसमें पैसे ट्रांसफर करवाते हैं, क्योंकि KYC कंप्लीट करने के लिए बैंक 60 दिनों का मोहलत देता है, और इन 60 दिनों में ही खाते में ठगी के सारे पैसे ट्रांसफर कराकर निकाल लेते हैं।
खातों को खोलने के लिए फर्जी सिम कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं और केवाईसी अपडेट नहीं होता है 60 दिन के बाद तो खाते अपने आप बंद हो जाते हैं। जब तक पुलिस पहुंचती है, खंगालती है, तब तक खाते से पैसे निकालकर रफू चक्कर। गरीब लोगों को पैसे की लालच देकर भी उनके नाम से खाते खुलवाते हैं और उन खातों पर ठगी के पैसे मंगवाते हैं। गरीबों के नाम पर खाते खुलवाकर पैसे ट्रांसफर करवाते हैं और बदले में 2-4 हजार देकर पैसे निकाल लेते हैं। साइबर ठगी के 80% मामलों में दूसरों के ही खाते होते हैं, इसलिए पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाती है। खातों से पैसे ई वॉलेट या डेबिट कार्ड से तुरंत निकाल लेते हैं। साइबर ठगी के शिकार लोगों के पैसे फिर रिकवर नहीं होता है, इसलिए जरूरी है कि सावधानी बरतें और कभी भी इस तरह के कॉल आए तो उस कॉल का जवाब ना दें, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अकाउंट का डिटेल ना दें, किसी भी हालत में ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। आगे बढ़ते हैं। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी एक बार फिर से एम्बुलेंस के कारण सुर्खियों में हैं। दरअसल सांसद रूड़ी के फंड से चलाए जा रहे एम्बुलेंस से इस बार शराब बरामद हुई है, वो भी देसी शराब। छपरा की भगवान बाजार पुलिस ने 280 लीटर देसी शराब के साथ एम्बुलेंस को जब्त किया है। जब्त एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताया कि एक मुखिया द्वारा यह एम्बुलेंस संचालित किया जा रहा है। पुलिस शराब की तस्करी में मुखिया की भूमिका की जांच भी कर रही है और एफआईआर भी दर्ज की गई है। पकड़े गए एम्बुलेंस को सारण सांसद राजीव प्रताप रूड़ी की सांसद निधि से 2019 में खरीदा गया था और इसे पंचायतों में मुखिया को सुपुर्द किया गया था ताकि ग्रामीण इलाकों से बीमार लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन इस एम्बुलेंस का दुरुपयोग के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में इस बार शराब तस्करी का मामला सामने आया है और हाल के दिनों में यह पहला मामला नहीं है जब सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के दिए गए एम्बुलेंस को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले कोरोना काल में हाल ही में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने इन एम्बुलेंस को लेकर सवाल खड़े किए थे। सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें एम्बुलेंस से बालू ढोने का वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि इस बार शराब तस्करी के मामले में रूड़ी ने मामले के खुलासे के लिए पुलिस को न सिर्फ धन्यवाद दिया बल्कि कहा कि ऐसे सभी मामलों में पुलिस को कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमने ये गाड़ी गरीब जनता की सेवा करने के लिए दी है, ना कि शराब की तस्करी करने के लिए। 22,000 की आबादी के लिए ये पंचायत में कोतवा पट्टी रामपुर पंचायत के लिए एम्बुलेंस दिया गया। इसके मुखिया जयप्रकाश सिंह है, चालक राकेश राय, पंचायत सचिव अरविंद कुमार प्रसाद है और संरक्षक प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी हैं। ये इसकी समिति है जो इसका संचालन करती है। ये जानकारी मिला कि कल शाम को इस गाड़ी को अवैध काम करने के लिए पकड़ा गया है। मैं बधाई देना चाहूँगा शासन को, पुलिस महकमे को, कि ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए उन लोगों ने त्वरित रूप से कार्रवाई की, तुरंत इस गाड़ी को जब्त किया। अवैध कार्रवाई हो रही थी, अवैध काम हो रहा था और ये पूरी समिति इसके लिए जिम्मेवार है। इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए, जांच की जाए, दोषी पर आरोप साबित हो। जिस स्थान से इस शराब को लाया था और जिस स्थान उसको पहुंचाना था उस संबंध में भी जानकारी दी गई है और जो इसका सप्लायर था, जो रिसीवर था, उसको भी हम लोगों ने पहचान कर ली है। उस पर छापामारी की गई है उसको पकड़ने का। जहां तक एम्बुलेंस में शराब ढोने की बात है तो शराब कारोबारी कई तरह के चीज़ों से इस कारनामे को करते हैं और कई बार दूध के चीज़ों में, कभी एम्बुलेंस में, कभी सब वाहन में, जिससे कि उसको जो है छिपा करके इस धंधे को कर सके। तो जो भी इसमें दोषी है और जो भी इसमें संलिप्त है उनको चिन्हित करके हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब जरा वो तस्वीर याद कीजिए, बस चंद महीने पहले अप्रैल मई महीने में कैसे एम्बुलेंस के लिए, ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही, मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही और जो एमपी की तरफ से एम्बुलेंस दी गई एमपी फंड से खरीद कर, उस एम्बुलेंस में बालू ढोने और शराब ढोने का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में जरूरत है कि एमपी फंड से जो एम्बुलेंस खरीदी जाती है या विधायक फंड से भी खरीदी जाती है उस एम्बुलेंस को जनता की सेवा में लगाया जाए, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। और जनता की सेवा में लगाया गया है या नहीं इसे भी निगरानी इसकी करने की जरूरत है, तभी इस तरह के मामलों पर लगाम कसी जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं। एलजेपी सांसद प्रिंस राज पर दिल्ली में यौन शोषण का मामला दर्ज होने पर चिराग पासवान का बयान सामने आया है। चिराग ने कहा कि जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए।
और उन्होंने कहा कि एफआईआर में मेरा नाम आया है जिसमें कहा गया कि मेरी जानकारी में मामला था और उन्होंने ये बात स्वीकार की कि हाँ मेरी जानकारी में मामला था। आज भी मैं कह रहा हूं मामला मेरी जानकारी में था और मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने सलाह दी कि यह आपराधिक मामला है इसलिए पुलिस में जाना चाहिए। या डिसीजन लेने के लिए इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सच सामने आएगा। तो उस वक्त मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नीति आयोग के प्रतिनिधिमंडल के साथ उच्च स्तरीय बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम के अलावा वित्त मंत्री रामेश्वर राव सहित राज्य सरकार के कई वरीय अधिकारियों ने शिरकत की, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए बैठक की जानकारी दी और बताया कि जिन मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई उसमें डीवीसी के बकाया में कटौती का मामला दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था, सीसीएल और बीसीसीएल का। राज्य सरकार ने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि जितनी भी कोल कंपनियां हैं उन कंपनियों पर रॉयल्टी सहित भूमि अधिग्रहण से जुड़ी राज्य सरकार की काफी बड़ी राशि बकाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि जीएसटी का भी एक बड़ा मुद्दा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है जिसमें इस मामले का निदान निकल सकेगा। विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जैसे कि डीबीसी के द्वारा हमारा जो कंसोलिडेटेड अकाउंट फंड से पैसे काटे जा रहे हैं इस विषय को रखा गया है। लगभग 2800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हमारा काट लिया है। धनबाद रामगढ़ के लिए आईएनडी की 600 करोड़ रुपए की जो परियोजना को स्वीकृत करने का भी अनुरोध हम लोगों ने किया है और राज्य में वैक्सीन की उपलब्धता एडवांस में की जाए ताकि हम लोग की जो कैपेसिटी है लगभग 3.5 से 4 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेट करने की राज्य सरकार की क्षमता है जो मौजूदा 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग ही हम 1.25 लाख 1.5 लाख ही लगभग हम कर पा रहे हैं इसको हम लोग बढ़ा पाए। चूँकि झारखंड प्रदेश एसटीएससी बहुल राज्य है तो हम लोगों ने कहा कि एसटीएससी एंटरप्रेन्योर को सीजीएसटी और अन्य तरह के टैक्स से में राहत दी जाए ताकि पूर्वोत्तर राज्यों की भांति यहाँ के स्थानीय लोग भी व्यापार के क्षेत्र में आगे आ सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उनके तरफ से भी कई विषयों पर नीति आयोग में बात रखने की बात कही गई है। मंत्रालयों के साथ बात करने की बात कही गई है। कुछ विषयों में नीति आयोग एक मीटिंग आयोजित करेगी जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के का प्रतिनिधित्व रहेगा और जो उलझी हुई चीजें हैं उनको सुलझाया जाए। बात वायरल फीवर की, बिहार में वायरल फीवर का कहर लगातार जारी है और अब ये तो जानलेवा बनता जा रहा है। 24 घंटे में पटना के एनएमसीएच में 3 बच्चों की मौत हो गई, वहीं गोपालगंज में भी 2 बच्चों ने दम तोड़ा है। बात सिर्फ एनएमसीएच की नहीं है, पटना के 4 बड़े अस्पतालों की बात करें तो पीएमसीएच में 34 बच्चे इलाज के लिए पहुंचे जिसमें 6 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी, इनमें 5 को एनआईसीयू में भर्ती किया गया है। 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पटना एम्स में 156 बच्चे इलाज के लिए पहुंचे जिसमें 16 बच्चे वायरल फीवर और निमोनिया से पीड़ित थे। आईजीआईएमएस में 62 बच्चे पहुंचे जिनमें 18 बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित थे। एनएमसीएच में 92 बच्चे पहुंचे जिसमें 21 बच्चे वायरल से पीड़ित थे। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बिहार के ज्यादातर जिलों के सरकारी अस्पतालों में इन दिनों वायरल फीवर के पीड़ित बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं और ज्यादा गंभीर बच्चों की मौत हो रही है। एनएमसीएच अधीक्षक ने बताया कि अब तक अस्पताल में 6 बच्चों की मौत हो चुकी है।
आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की तरफ से आजादी के 75वें साल को अमृत महोत्सव के तौर पर मनाए जाने की घोषणा को देख सीआरपीएफ के जवानों ने एक साइकिल रैली निकाली। ये रैली असम के जोरहट से 31 अगस्त को निकाली गई है। इस साइकिल रैली में सीआरपीएफ के 25 जवान शामिल हैं, जिनमें 15 जवान एक साथ साइकिल रैली में शामिल हुए। दरभंगा पहुंची इस रैली टीम को जिले के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी, सांसद गोपाल जी ठाकुर और विधायक संजय सरावगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली असम, बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी, जहां दिल्ली में महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट पर फूल चढ़ाकर इस रैली का समापन किया जाएगा। सर पर सीआरपीएफ के द्वारा अमृत महोत्सव के माध्यम से असम से लेकर राजघाट तक 25 नौजवान जो सीआरपीएफ के हैं, वो तमाम जगह पर जो हमारे वृद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं और इस देश को जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई उनका सम्मान करते हुए पूरा जन जागरण करने का काम कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव मनाकर पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम किया है। और चलिए इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही, कल फिर होगी बात सपाट में आपसे जुड़ी खबरों के साथ। कोई एजेंडा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं। नमस्कार।